प्रदेश की योगी सरकार लगातार अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। इसी क्रम में चकिया तहसील में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने ग्रामीणों की शिकायत पर अमाव गांव में 10 वर्षों से सार्वजनिक नाले पर हुए कब्जे को हटा दिया। दरअसल चकिया तहसील क्षेत्र के अमाव गांव में रिटायर्ड मेजर साहब सिंह चौहान के द्वारा सार्वजनिक नाले पर पिछले 10 वर्षों से कब्जा किया गया था, जिसमें नाले के ऊपर पक्की दीवार बनाकर नाले को अवरुद्ध कर दिया गया था। इसी वजह से पूरे गांव का गंदा पानी इकट्ठा होने लगा था और जल भराव से दर्जनों मकान गिरने की कगार पर आ पहुंचे थे। जब बारिश हुई तो मुसीबत चार गुना बढ़ गई। बरसात का पानी घरों व सड़कों पर भर गया। ग्रामीण की शिकायत पर चकिया तहसील में तैनात ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने अमाव गांव पहुंचकर जांच कराई तो निर्माण अवैध निकला, जिसके बाद जेसीबी के द्वारा पक्की दीवार को गिराया गया और सार्वजनिक नाले को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, साहबगंज विकासखंड में गांव है अमाव, वहाँ पे लगता है काफ़ी समय से किसी एक परिवार एक व्यक्ति द्वारा जो सार्वजनिक नाली है जो पूरे गांव का मुख्य जल निकास मार्ग है उसको अवरुद्ध कर दिया गया। कल काफ़ी संख्या में ग्रामीण तहसील में आकर इसी समस्या से संबंध में मिले और उसी क्रम में आज स्थलीय निरीक्षण किया गया और शिकायत सही पाई गई। मौके पर थाना प्रभारी साहबगंज के साथ पहुँचा गया और उस अवरुद्ध नाली को और जो दीवार बनाकर जिसके द्वारा इसको अवरुद्ध कर दिया गया था उनको हटाया गया और नाली को पुनर्स्थापित कर तो 300 से 400 घरों का मुख्य निकास मार्ग है, जिसके कारण मुझे लगता है दो घर ढह भी चुके हैं, उसको वापस से पुनर्स्थापित किया गया, जल निकासी को सुनिश्चित करवाया। चंदौली से मिथिलेश सिंह की रिपोर्ट। पीके यूनिवर्सिटी, बिल्ड अ ग्रेट करियर एट पीके यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन फॉर मेडिकल साइंस, बी फार्मा, एम फार्मा, बीएससी, बीटेक, एमटेक एंड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। कॉन्टैक्ट नाउ www.pkuniversity.edu.in, address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri।